उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहां बादलों से जुड़ूं, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। लफ्जों में क्या बताएं, कहां खड़ी हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग मैं लड़ी हूं, लेकिन लड़ती रहूंगी, खड़ी रहूंगी, जीऊंगी जिंदा दिली के साथ, इसी बात पर अड़ी हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अपना आसमां में आज हमारे साथ हैं वो शक्तियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ा है, और लड़ने के बाद वो आज भी जिंदा दिली के साथ खड़ी हैं और ये कहती हैं कि हाँ, हमने जिंदगी के हर फेज को देखा है और हम ये प्रेरणा देने के लिए काफ़ी हैं कि जिंदगी में मोड़ कोई भी आए, लेकिन आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत और मिलते हैं अपनी खास मेहमानों से और करते हैं उनसे मुलाकात, उनके नाम उनकी पहचान के साथ। अपना आसमान से मैं रेखा गुलाबानी ये कहना चाहूँगी, दर्द तो सबका एक सा होता है, मगर नज़रिया अलग अलग होता है। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कैंसर हुआ तो क्या हुआ, इससे संघर्ष करके निखर के हमको आगे आना है, यही मेरी आपसे संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है रेखा मैम आपका। मैं हूँ सुधा मुर्गाई, मैं प्रेसिडेंट हूँ कैंसर केयर इंडिया के, जो एक एपेक्स बॉडी है। अंडर अस वी हैव अबाउट 30 एनजीओस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो मैं भी एक सर्वाइवर हूँ और आगे मेरे ख्याल जाके सर्वाइवर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, कुछ डिफरेंट। बट आई मस्ट से दैट आई हैव लुक्ड आफ्टर कैंसर पेशेंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, एंड देन अबाउट 4 ईयर्स बैक आई वॉज स्ट्रक विद कैंसर। सो आई टू वंडर वॉट वॉज द कॉज, and of course we will be discussing all these things later. Thank you. स्वागत है आपका सुधा मैम। नमस्कार, मैं कविता गुप्ता हूँ, फाउंडर प्रेजिडेंट विन ओवर कैंसर। ये एनजीओ मेरे हस्बैंड अरुण गुप्ता ने स्टार्ट करी थी, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर थे, और उनके साथ काम करते करते मैंने ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, और उनके लिए मैंने एक कपड़े से बेस्ड प्रोस्थेटिक ब्रा का इजाद किया, जिससे अब हम अपने एनजीओ के थ्रू ऑल ओवर इंडिया अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं वंदना हूँ, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस बीमारी में जीने का एक नया नज़रिया दिया। पहले तो मैं भीड़ का एक हिस्सा थी, लेकिन इस बीमारी से लड़ने के बाद मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरा एम क्या है, ये सोचने का मौका दिया। आज मैं अपनी इस बीमारी से जीतने के बाद बहुत बहुत ही खुश नसीब महसूस करती हूँ, जब मैं किसी भी इस बीमारी से जूझ रहे पेशेंट की मदद करती हूँ, उनके साथ उनका हाथ पकड़कर चलती हूँ, और थोड़ी सी भी संतावना से अगर मैं उनका धैर्य बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्वागत है। मैं सतिंदर कौर, आप सभी के साथ इंटरेक्ट होने के लिए आई हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आई, और मैं IRCH में कोऑर्डिनेटर हूँ। उसके अंदर मैं हॉस्पिटल्स में विज़िट करती हूँ, कैंसर पेशेंट्स से मिलती हूँ, और उनको अपनी सेहत के लिए अपने आप से कैसे जूझना है, इस सब के लिए प्रेरणा देती हूँ। क्योंकि मैं भी एक मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर हूँ। मेरी लाइफ में 2 बार कैंसर हुआ और दोनों बार मैंने उस पर विजय प्राप्त की, और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है आज नारी शक्ति, वो नारी शक्ति जिन्होंने इस समस्या को अपने जीवन में झेला भी है, और आज वो सबको प्रेरणा भी देती हैं कि जिंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, उसे छोड़ना नहीं, बढ़ते जाना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक आप ये बात जान ही गए होंगे कि आज किसकी बात हो रही है। जी हाँ, आज बात हो रही है ज़िंदगी की, आज बात हो रही है तकलीफ़ों की, आज बात हो रही है मुश्किलों की, आज बात हो रही है जंग की, जंग
जो जिंदगी के साथ लड़ी जाती है, जिंदा दिली के साथ लड़ी जाती है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि जिंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, हम जिंदगी को हंसते हंसते जिएंगे। मुश्किलें कोई भी रास्ते में आए, हाँ हम उनका डटकर सामना करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है, हौसला है, और हम अपने हौसले की बदौलत अपनी वो उड़ान भर कर दिखाएंगे कि हमारी एक अलग पहचान होगी। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और बात करते हैं कैंसर पीड़ितों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने जिंदगी को एक बार फिर जिंदगी का नाम दिया है। बात करते हैं समस्या की, जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है, संघर्ष कहाँ से शुरू हो जाता है। रेखा मैम, सबसे पहले मैं आप ही से जानूंगी, कैंसर होता है, हम कहते हैं कैन सर्वाइव, लेकिन जब सबसे पहले पता चलता है कि हाँ कैंसर से जूझ रहे हैं, अबल तो पता ही नहीं चलता, लेकिन एक स्टेज रहती है जब आपको एक सिम्टम्स का थोड़ा पता लगने लगता है कि क्या हुआ है, कुछ तो अलग है। हमारे शरीर के साथ असामान्य बात होती है, कैंसर हो या कुछ और हो, हमें एकदम सावधान होना चाहिए। हर औरत को 20 साल की उम्र से चेतना होनी चाहिए कि उसको अपनी ब्रेस्ट का रंग पता होना चाहिए, चमड़ी का उसे टेक्सचर पता होना चाहिए, उसको शेप और साइज पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में कोई भी अंतर आता है, अगर कहीं गांठ हो जाती है स्तन में, या उसका निप्पल बहुत अंदर चला जाता है जो पहले नहीं था, या बाहर ज़्यादा आ जाता है, या कहीं डिम्पल पड़ जाता है ब्रेस्ट में जो पहले नहीं था, तो वो देखना है। या कहीं पर एक स्किन जो है कहीं पे बदल जाती है, संतरे का छिलका छेद छेद से हो जाते हैं, पूरी स्किन एक है, एक जगह जो चकता सा बना हुआ है वो, अगर वहाँ कोई तिल या मस्सा है, अगर वो बिगड़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसके किनारे खुरदरे होने लगते हैं, उसमें खुजली मचने लगती है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये दिखाते हैं कि शायद वो कैंसर है। लेकिन हर लक्षण का मतलब कैंसर नहीं होता, मगर जाँच कराना आवश्यक है। पर मैं जोर देना चाहूँगी कि इन सब की पहचान के साथ साथ हर महीने अगर आप अपनी ब्रेस्ट को देखते हो और कोई भी चेंज हो तो दिखाओ। अगर कैंसर को आप जीरो अवस्था में, जब अभी कोई लक्षण नहीं आया, तभी ढूंढ लेते हो तो आप बहुत समझदार हो, क्योंकि उस अवस्था में स्तन तो बचता है, जीवन भी बचता है। सुधा मैम, जैसा कि आप कहते हैं कि आपने खुद इसे फेस भी किया है और 40 साल से आप लगातार जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी सेवा में निरंतर कार्यरत हैं, मैम जब खुद को पता चलता है कि हाँ हम इस लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, सबसे पहले शब्द लाइलाज आता है, हम लोग सर्वाइवल की तो सोचते नहीं, लेकिन जब आपके साथ ये हुआ, जब आपको पता चला, कितने समय के बाद पता चला, और पहला जो रिएक्शन था, मन में जो बातें थी, वो जो एक इमोशनल चीज़ें मन में आनी शुरू हो जाती है, वो क्या थी, किस चीज़ से जूझी आप? एक तो क्योंकि जब मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती थी, उनके साथ काम करती थी, तो मैंने अपने आप को काफ़ी पक्का बना लिया था ये सोच के कि यू नेवर नो इन लाइफ आई मे बी आल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। तो मैंने एक मेरी हैबिट थी कि एवरी टाइम आई वेंट इन टू हैव अ बाथ आई यूज टू एग्जामिन माय ब्रेस्ट अप टू द वेस्ट, आई यूज टू सी इन द मिरर एंड सी व्हाट इज देयर। सो वन फाइन डे जस्ट अबाउट 3 years अगो आई नोटिस्ड कि भी देयर इज अ लिटिल वॉट टाइप on my right breast. So for a moment I thought ke nahi aise hi hai, why am I getting panicky, because I already had mark over there from some old injury, so I thought it is merging with that mark, and that's, thank god I did not take it as that. I just quickly ran, I said, I talk to people, I tell them about awareness, I tell them about early detection, and why am I standing here? I should be an example. So I went straight away to my doctor, and he was kind enough, he wouldn't let me go back home because my mammograms did not show cancer. 3 mammograms, all 3 did not show cancer. So he said, ma'am, you are not going home till I am very sure. So he took my tissue from the breast and he sent it for guidance for to the doctor. And then after that, I was for some time stunned. I was really stunned. That what is happening? I didn't have any feeling at that few moments. I had no feeling at all. And then I had to tell myself, because I always counsel myself all the time. So I had to tell myself, no, you have to be brave. Cancer se daro nahi, cancer se lado. Kya baat hai? Kya baat hai? Cancer se daro nahi, cancer se lado. Aur jeetenge isse, is baat pe ado.
मैम जब हम बात करते हैं कैंसर की, अमूमन जब हम महिलाओं से बात करते हैं कैंसर की, तो सिर्फ एक शब्द आता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर तक सीमित नहीं, बहुत सारे प्रकार के कैंसर हैं जिससे महिलाएं जूझती हैं। किस किस प्रकार के कैंसर हैं और क्या उसकी अर्ली डिटेक्शन है? देखिए, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारे लिए कैंसर एक वर्ड है, बट डॉक्टर्स के हिसाब से कैंसर एक वर्ड है 200 से 250 तरीके की अलग बीमारियों। बिल्कुल, हर तरीके का कैंसर जो होता है वो एक अलग कैटेगरी का कैंसर होता है, एक अलग बीमारी होती है अपने आप में, डॉक्टर जिससे लड़ते हैं। और अगर हम मोटा मोटी देखा जाए तो हम कैंसर्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक आपके ब्लड कैंसर्स हो गए और एक सॉलिड कैंसर जो कि गांठ के कैंसर जिनको बोल सकते हैं, या नसों के कैंसर या हड्डी का कैंसर। तो इन सब में से मैं कहूँगी ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अर्ली लक्षण आ जाते हैं। आपका सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर ऐसा है, मुंह का कैंसर ऐसा है, आपके मुंह में अगर कोई छाला हो रहा है जो कि नहीं ठीक हो रहा, तो आप जाके डॉक्टर को बता सकते हैं कि भाई ये जाला ठीक नहीं हो रहा है, एक बार प्लीज़ चेक कीजिए कहीं कैंसर तो नहीं है। अगर हमारे को कोई मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन बार बार हो रहे हैं, तो हम डॉक्टर को बोल सकते हैं जाके कि एक बार प्लीज़ आप चेक कीजिए कि कहीं मुझे कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। ये बार बेसिकली हमारी बॉडी में अगर कोई हमें अनयूजुअल चेंज लगता है कि कोई खांसी है जो बहुत परसिस्ट, वो लंग कैंसर का एक लक्षण हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है अपनी बॉडी के साथ, अपनी सेहत के साथ जागरूक रहना। उसके साथ हम जितना जागरूक रहेंगे, जितना हम स्क्रीनिंग्स करवाएंगे, अपने रेगुलर हेल्थ बॉडी चेकअप्स करवाएंगे, उसमें कैंसर जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। और जब कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है तो वो क्यूरेबल है, वो क्यूरेबल है 100% तक वो क्यूरेबल है। जैसे मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ और उनको बुखार चढ़ा और ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और जहाँ पे कि देखा गया कि उनको शायद यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, पर जब हमें 5 दिन में उनको छुट्टी भी मिल गई, पर जब हमें छुट्टी मिली तो हमें डॉक्टर ने बोला कि नहीं, रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं उसको कर सकता, आप एक बड़े डॉक्टर को दिखाइए जाके, जो हो सके तो कोई कैंसर वाले डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, उस समय हम घबराए पर हमने उस चीज को ओवरलुक नहीं करा कि नहीं हमें कैंसर नहीं हो सकता। और वाकई में जब आगे टेस्टिंग हुई तो उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो हम कितना अपनी बॉडी के साथ जागरूक हैं, हम कितना अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसे कैंसर को जल्दी पकड़ में ला सकते हैं। और जब कैंसर जल्दी पकड़ में आता है तो वो क्यूरेबल है, चाहे वो किसी भी तरीके का कैंसर। मैम, अमूमन कैंसर हुआ किसी को, जैसे आप भी कई लोगों से मिलती होंगी जो सबसे पहले कैंसर से पीड़ित हैं, उसके बाद अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है उस समय इंसान की कि उसके मन में बहुत सारे भाव चल रहे होते हैं। तो ऐसे में जब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को पता चला कि उसे कैंसर है, डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय उसके आसपास के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, या जिससे वो डिस्कस करे वो उससे कैसे डील करे? देखिए, कैंसर एक बीमारियों की लिस्ट में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका नाम सबसे ऊपर आता है और अनफॉर्चुनेटली इसको डेथ के साथ जोड़ा जाता है कि कैंसर हो गया तो अब तो मौत निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान बहुत तरह से टूटता है। स्टार्टिंग में तो वो उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, हुई या नहीं हुई, डॉक्टर को गलती लगी होगी, मशीनों ने गलत बताया होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई सिम्टम ज्यादातर लोग सेकंड और थर्ड ओपिनियन के लिए जाते हैं। तो ये जैसे कि मेरे सारे अभी फ्रेंड्स ने बोला कि इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टार्टिंग में और अर्ली स्टेज में इस बीमारी का कोई भी सिम्टम नहीं होता। इसमें कोई भी आप एज गुड फील करते हो जैसे कि एक हेल्दी पर्सन फील करता है। खांसी और जुकाम के ज्यादा सिम्टम होते हैं, कैंसर के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते हो तभी आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हो। रही इमोशनल फ्रंट पर, इंसान कई दिनों तक तो इसी डायलिमा में रहता है, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इलाज कैसे होगा, मैं कितने दिन के लिए हूँ, आज हूँ, कितने दिनों में नहीं हूँ, और क्यों पैसा खराब करना मेरी बीमारी पर, मैं तो अब जाने वाली हूँ। इस तरह के बहुत सारे ख्याल, पहले तो बहुत डिनायल में ही रहता है कई दिनों तक, तो शॉक में रहता है, पता नहीं चलता दिन रात का क्या होगा, डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, हे भगवान मैंने कौन सा पाप कर लिया, मेरे पुराने कर्म मेरे आगे आ गए, मैंने तो ऐसा कुछ खाया पिया ही नहीं।
तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी का ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पुराने कर्म आ गए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ बुरा किया तो आपको वो भुगतना पड़ रहा है। आजकल के लाइफस्टाइल का ये एक हिस्सा है, तो इससे बचने के लिए पहले तो अपने आप को एग्जामिन करते रहिए और इसको अर्ली डिटेक्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको डिटेक्ट कर लिया तो डॉक्टर के मार्गदर्शन में चलिए, ना कि आप अपने ही मन से ये सोचिए कि पैसा कहाँ से। आप चलते चलेंगे तो कारमा बनता चलेगा, रास्ते निकलते चले आएंगे और आपको अपनी रास्ते दिखाई देंगे। तो सबसे यही मेरी यही रिक्वेस्ट है, फैमिली मेंबर्स का भी ये साथ बनता है कि वो अपने मरीज के साथ खड़े रहें, एक उनकी सपोर्ट के साथ। ये एक आदमी की बीमारी पर्सनल नहीं है, जब तक एक परिवार उस इंसान के साथ नहीं खड़ा रहेगा तब तक उसका इस बीमारी में से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। मुझे ये लगता है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, मैं खुद एक पढ़ी लिखी अनपढ़ थी। जब मुझे ये बीमारी डायग्नोज हुई तो मेरे को इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं भी यही सोचती थी अब तो बस, अब तो मेरा चैप्टर खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब थी मुझे वे बीमारी हुई, शायद मुझे मेरी पहचान इस बीमारी के बाद ही मिली। शायद उससे पहले मैं भीड़ का एक हिस्सा थी, बच्चे पति उनकी पढ़ाई उनका स्कूल इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद ही मैंने अपनी ग्रोथ की, मैंने नॉलेज ली, मैंने न्यूट्रिशन और डाइट में अपनी नॉलेज को बढ़ाया, मैं एक योगा काउंसलर बनी, एक मैंने लाइफस्टाइल कोच की तरह आज काम कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों की मैं मदद करती हूँ ताकि वो लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकें। और ये सब मैंने इस बीमारी से रिकवर करने के बाद किया। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोग जब सबसे पहले आपके पास आके आपको ये बताते हैं कि हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट उनको लेकर क्या होती है? मेरी सबसे पहली स्टेटमेंट उनको लेकर ये होती है कि कैंसर का नाम है कैंसर, तो इसको आप बदलो, आई कैन विन ओवर इट, आई विल हैव टू विन ओवर इट एंड आई विल हैव टू फॉर माई फैमिली फॉर माई किड्स। जब आप अपने अंदर ये जज्बा ले आओगे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर जीत हासिल कर सकती हूँ, तो आपकी पूरा शरीर, आपकी पूरी ताकत, आपका पूरी यूनिवर्स आपके साथ आ जाता है, उस बीमारी से आपको निकलने के लिए आपकी मदद करता है। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो नहीं, अब डिप्रेशन में जाते हो, तो फिर सारी चीज़ें नेगेटिवली काम करती हैं आपके साथ। बिल्कुल सही आपने कहा कि कैंसर यानी कि आई कैन, और कैंसर मतलब कैन सर्वाइव, I can survive, I will survive and I will have to survive. सच में एक पॉजिटिव सा माहौल शायद हम कभी उम्मीद नहीं करते जब हम कैंसर की बात करेंगे तो इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। लेकिन हमारे बीच आज जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कैंसर से एक बार मिल चुके हैं। तो चलिए गम के बीच में से आपको भी निकालते हैं, आपको भी बताते हैं कि अगर आप भी कहीं इससे जूझ रहे हैं तो आप क्या करें, आपको भी सुनाते हैं इनकी आप बीती। आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी वंदना जी ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाके कैंसर पेशेंट से मिलते हैं तो उनको यही बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना, आप लोगों को कैंसर की नहीं आई कैन कहना है, आपने सोच ही यहीं से शुरू करनी है। शायद जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, मैंने भी अपने आप को खुद ही मतलब डिटेक्ट किया था अपना कैंसर, और जब मुझे मॉर्निंग में पता लगा कि ये मुझे कुछ है यहाँ पर एक लंप सा, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उसके बाद उनको दिखाया। जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मैंने डॉक्टर से ये बोला कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, हम कुछ टाइम बाद करवा लेते हैं, 10 दिन बाद एग्ज़ाम करवा लेते हैं, 10 दिन बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम तो अगले साल भी हो जाएंगे, ये आपका ट्रीटमेंट जो है वो अभी ही होगा। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मुझे हुआ तो मेरी डॉटर की एंगेजमेंट हो रखी थी और मैं चाहती थी कि उसकी मैरिज पहले कर दी जाए ताकि ऐसा ना हो, कहीं मेरे मन में एक सोशल ये था दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके इन लॉज शादी के लिए मना कर दें। इस वजह से मैंने अपने आप को इस स्थिति में पाया कि शायद मुझे जो है उसकी शादी पहले कर देनी चाहिए और उसके बाद मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके मेरे जो बेटी के इन-लॉज थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद जब हम लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए कि ठीक है आप कुछ टाइम रुक जाए, लेकिन पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने जब इसका रास्ता पकड़ा तो शायद मैं कहीं अकेली थी और इन सब चीज़ों से जूझ रही थी, तब मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे बाहर निकलना होगा। तो
मैंने सपोर्ट किया और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इतना सपोर्ट किया कि मुझे इतना बाहर निकाला कि आज मैं उन्हीं हौसलों के साथ, मतलब मैं, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मैं आज कितनी आगे निकल गई हूँ, ये सब मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से है। और मैं आज यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो ये भी शायद मेरी फैमिली की वजह से ही है, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे इसमें मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं हौसलों की वजह से आज मेरे हौसलों को इतनी उड़ान मिली है कि मैं यहाँ भी बैठी हूँ, मैं हॉस्पिटल्स जाती हूँ, मैं कैंप लगवाती हूँ और बहुत से कैंसर प्रिवेंशन के काम करवाती हूँ, कैंप लगवाती हूँ, ताकि मैं अपनी जैसी लेडीज़ को सहारा दे सकूँ उस टाइम को याद करके जब मैं अकेली थी और मेरे पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। और मतलब वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, जैसे इन्होंने अभी वंदना जी ने कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उसकी वजह से ही मैं आज बाहर निकली हूँ, नहीं तो शायद आज मैं भी सोचती हूँ कि मैं ना होती। क्या बात। तो आज जो मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। क्या बात है मैम। सच में अगर फैमिली का सपोर्ट मिले तो उससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं होता। कहते हैं कि मैं अकेली थी और ज़िंदगी रूट गई, साथ ही ना मिला कोई, परिवार ने भी छोड़ा और मैं टूट गई। जब साथ नहीं मिलता तो इंसान टूट जाता है, और ऊपर से एक ऐसी बीमारी अगर आपको पूरी ज़िंदगी को घेर लेती है तो शायद आपके जहन में यही आता है कि ज़िंदगी के उस पार मेरे लिए क्या है। ये सवाल आपको इस कदर घेर लेते हैं कि आप टूटने लगते हैं। इस समय बहुत ज़रूरी होता है आपके हौसले को बनाए रखना, और वो हौसला सिर्फ परिवार और आपके साथी ही बना सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की आप बीती। जब मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है, मेरी फ्रेंड थी पंत हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट नर्स, उसने मुझे थोड़ा नोट किया कि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं रह रही थी, कि समथिंग रॉन्ग। उसने बोला कि मेरे साथ चलो, मैं टेस्ट करवाती हूँ तुम्हारे, क्योंकि मेरे उस टाइम फादर इन लॉ काफ़ी बीमार थे, किडनीज डैमेज थी, मैं उनके साथ रोज़ हॉस्पिटल जा रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा खाना पीना थोड़ा छूटा हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो इस लाइन में थी, मेडिकल लाइन में, उनको कुछ लगा तो मुझे लेके गई पंत हॉस्पिटल। तो मेरे टेस्ट हुए तो मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर साहब ने एकदम से कहा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो मतलब मैं बड़ी शॉक्ड सी रह गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी, कुछ ऐसे सिम्टम भी नहीं थे। तो मैंने फिर उसी टाइम उसने मेरे हस्बैंड को बुला लिया, मैं अपनी मदर के साथ गई थी टेस्ट करवाने, क्योंकि इतना तो पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो उसने वहीं मुझे बिठाया अपने रूम में और मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाया, तो वो भी एकदम शॉक्ड रह गए। लेकिन उन्होंने उसी टाइम इमीडिएट एक्शन लिया, उन्होंने बोला सीधा राजीव गांधी हॉस्पिटल जाना। हम उसी वक्त बिना मतलब कुछ समझने का वक्त ही नहीं दिया और राजीव गांधी हॉस्पिटल चले गए। मेरे फादर भी आ गए थे, तो डॉक्टर दीवान ने मेरा ऑपरेशन किया। उसी दिन एडमिट हो गई, दूसरे दिन ऑपरेशन भी हो गया, क्योंकि सारे टेस्ट तो हो चुके थे। तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद मैं ठीक होने लग गई, काफ़ी ठीक हो गई थी। लेकिन पता नहीं 6 महीने के बाद फिर मेरे को ऐसे हुआ कि मैं ठीक नहीं हो रही। उसके बाद थोड़ा टाइम निकल गया, हर महीने हॉस्पिटल पहुँचती थी, वॉमिट लूज़ मोशन लगे रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने मेरा लीवर का लेप्रोस्कोपी किया, तो पता लगा चलो उसमें तो नहीं है। फिर तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में भी फिर प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मेरा यूट्रस रिमूव हुआ, ट्यूब्स, ओवरी, सब कुछ रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने परमात्मा से प्रेयर की कि बस और इम्तिहान मत लेना, बहुत हो गया, तो अब तो मैं लड़ूंगी और मैं जीत के दिखाऊंगी। उसके बाद मैं ठीक होने लग गई। मैं रोज़, मेरे फादर ने बोला कि तुम जो बचपन से शब्द बोलती थी, देश शिवा वर मोहे हैं शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूँ, ना डरूँ वर से जब जाए लड़ूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हें जीत करके दिखानी है, यू आर वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। बस उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज़रा सोचिए परिवार का कितना सपोर्ट मिला है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है परिवार का सपोर्ट। क्या आपने सोचा है कभी कि एक महिला अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपने पूरे दिन में कितनी बार आईना देखती होगी, न जाने कितनी बार। शायद आप सुबह उठती हैं, शुरुआत आईने के साथ ही होती होगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी कितनी बदल गई, परिवार का कितना सपोर्ट मिला कि घर का हर आईना ढक दिया गया, इसलिए कि उस हकीकत से वो रूबरू ना हो सकें, वो ये ना जान सकें कि हाँ ज़िंदगी कितनी बदली है कुछ समय के लिए। और आईना कब खुला? जब वाकई ज़िंदगी से ये जंग जीत चुकी थी
और दूसरा जन्म हो चुका था और ज़िंदगी पर विजय पाकर इन्होंने ये साबित कर दिया था कि हाँ, कोई भी मर्ज आ जाए, ये निश्चय कर अपनी जीत करेंगी। बहुत बढ़िया मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आज ये जो प्यारी सी हंसी आपके चेहरे पर है, कभी इस हंसी ने कुछ समय के लिए खुद को रोका होगा, क्या फेस किया? खुद को नहीं, बहुत ज़्यादा रोका। और आज 7 साल हो गए, इवन आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू टू कॉलिंग अस हियर एंड टू मेरा आसमा, मैं अलीशा। 7 साल पहले मुझे भी प्रॉब्लम हुई, मेरा बेटा उस टाइम सिर्फ 40 दिन का था और मेरी बेटी 6 साल की थी। मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रेगनेंसी में डायग्नोज बहुत रेयर होते हैं बिकॉज उसमें हम बहुत सारे मैमोग्राफी या और कोई टेस्ट नहीं करा सकते। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड होती थी जिसमें डॉक्टर बोलती थी नहीं, मिल्क ग्लैंड है, दूध की गांठ है, डिलीवरी होगी, ठीक हो जाएगा। हम भी यही चलते थे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद 40 दिन के अंदर अंदर मेरी, क्या ये डिटेक्ट ही प्रेगनेंसी के टाइम हुआ? डिटेक्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हुआ। प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में शुरू हुई। 40 डेज का मेरा बेबी था, 40 डेज से पहले ही मेरी ब्रेस्ट, 2/3 ऑफ माई ब्रेस्ट वॉज एड हार्ज एज अ रॉक। जब मैं वापस अपनी गायनेक के पास गई कि आपने बोला था ठीक हो जाएगा और ठीक हो भी गया था इनिशियल 1 हफ्ते में, बट ये वापस वैसा हो गया, फीड आनी बंद हो गई, एक साइड से फीड करा रही हूँ, बेबी भूखा रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बेटी को स्कूल भेजना, 6 साल की मेरी बेटी, बच्चों को कितनी समझ आती है। फिर उसने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे चीज़ें ठीक नहीं लग रही, आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये आपको आगे गाइड करेगा। जब हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए तो ऑन्कोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है ये मुझे पता था क्योंकि मेरी मम्मा भी एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी थी। तो वहाँ से गेस करना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है। बट उस डॉक्टर ने भी मेरे को क्लियरली नहीं बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, एक ये MRI का टेस्ट है, अगर आप जल्द से जल्द करा सकते हो तो आप करा लो। उस टाइम मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे अहमदाबाद पोस्टेड थे, मेरे इन लॉ सूरत रहते थे, मेरी मम्मा और मेरे पेरेंट्स दिल्ली रहते थे। मम्मा ने बोला अगर तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आपको 1 दिन में 2 दिन में देते हैं तो आप अहमदाबाद कराइए, वरना आप नेक्स्ट फ्लाइट लीजिए और आप दिल्ली आ जाइए। वहाँ पता किया, उन्होंने बोला जी टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 72 घंटे चाहिए हमें। हमने सब कुछ छोड़ा, सामान पैक किया, 5वें दिन मैं दिल्ली आ गई। मेरे आने से पहले राजीव गांधी में मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स, सुबह 7 बजे मैं लैंड करी, 9:30 बजे से मेरी अपॉइंटमेंट सारी लाइंड अप थी कि मेरी मम्मा को 1 मिनट भी मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करना था। हम आए, टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, पता लगना शुरू हो गया कि चीज़ें बिगड़ती चली गई और मुझे 3rd स्टेज एंडिंग थी मेरे कैंसर की जब मुझे डिटेक्ट हुआ। जिस दिन फाइनल रिपोर्ट्स आई, बायोप्सी की रिपोर्ट्स आई, तब सबसे पहले आके अपने हस्बैंड को एक ही चीज़ बोली, मुझे तो खैर है, होगा होगा, ठीक होंगी होंगी, नहीं होंगी तो भी कुछ नहीं, बच्चों का ध्यान आपने रखना है। तब मेरी माँ ने मुझे बोला कि मुझे नहीं देख रही है, एंड शी हैड फॉट फॉर कैंसर फॉर 25 ईयर्स। वेन यू हैव सीन मी फाइटिंग, हाउ कैन यू से कि तू ठीक नहीं होगी? यू आर माई डॉटर, तेरे में मेरा ब्लड है, तू कैसे हार मान सकती है? वो दिन था और आज का दिन है, मैंने मुड़ के नहीं देखा कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मैं वैसी ही लड़ती चली गई। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, मेरे हस्बैंड को भी हैट्स ऑफ है, हम 1.5 साल अलग रहे, मैं दिल्ली रही, वो अहमदाबाद रहे बिकॉज जॉब के चक्कर में। आते थे जब मेरी कीमो होती थी, हम साथ में हॉस्पिटल जाते थे, कीमो करा के आते थे, 1 दिन बच्चों के पास रुकते थे और फिर वापस चले जाते थे। मतलब उस बंदे को भी मैं कहती हूँ शाबाश है जिसने अपने न्यूबॉर्न बेबी की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब मोमेंट्स मिस करे जस्ट बिकॉज कि जॉब हमारी एट रिस्क थी। जॉब भी देखी, मुझे भी संभाला, बच्चों को भी संभाला। और आंटी जैसे आपने बोला शीशे ढक दिए थे, सेकेंड कीमो में अभी लगवाने जा ही रही थी तो मेरे बाल उतरना शुरू हो गए थे। विग पहले बनवा रखी थी तो मैंने इनको बोला कि मम्मा को फ़ोन कर दो कि कल जब मैं घर आऊँ तो मुझे शीशा नहीं देखना, शीशे ढक दो मेरे कमरे के। उन्होंने बोला क्यों? मेरा हाथ पकड़ के, मुझे पकड़ के सपोर्ट करते हुए मुझे वॉशरूम में लेके गए और अपने साथ मेरे को खड़ा करके बोला तू देख, मुझे तो तू उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही, तो तू अपने आप को क्यों अच्छी नहीं लग रही है?
लोग आके पूछते हैं फीड नहीं कराया था बच्चे को जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये चीज़ें मैंने भी सुनी जबकि मैंने अपनी बेटी को एक साल पूरा फीड कराया था। क्यों फीड नहीं कराया था, कैसे हो गया? अरे कैसे का हमारे इसमें जवाब नहीं है। आज मुझे हुआ है, आज आप कल को आपको होगा, परसों उनको होगा, हमारे पास ये रीज़न नहीं होता कि हमने ये नहीं किया तो ये हो गया। किसी के साथ भी हो सकता है, एक शरीर लेके बैठे हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम बात है और मुझे लगता है कि मिथ से ऊपर उठकर अब हम लोगों को सच्चाई और हकीकत का सामना करना चाहिए और असल में क्या हम डील कर रहे हैं और उससे आगे कैसे आए, इस पर बात करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे आपकी आप बीती। मेरा आसमां से, मैं संगीता दास। मेरे को 2 साल हुए कैंसर हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर। मैं कैंसर विजेता हूँ और जब मेरे को डिटेक्ट हुआ कि मेरे को कैंसर है, फुल कोविड टाइम चल रहा था तो मैं हॉस्पिटल जाने में भी डर रही थी, यहाँ तक कि पहले मैं गायनी के पास जाऊँ उसके लिए भी डर रही थी। तो मैंने पहले फ़ोन में गायनी डॉक्टर से बात की कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो उन्होंने कहा आप आइए, डरने की कोई बात नहीं। तो मैं जब गई, उनको डाउट हुआ तो उन्होंने बोला आप इमीडिएट हॉस्पिटल जाइए क्योंकि ये स्टेज बढ़ गया है, मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनको लगा। तो मैंने कहा ये कोविड टाइम है, मैं कैसे जाऊँ? तो उन्होंने बोला कैंसर से जितना है तो आपको जाना पड़ेगा, कोविड तो चलता रहेगा। तो तब मेरे को हिम्मत हुई, मेरे बेटे ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, साथ में मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। तो यही है कि हर 21 दिन बाद केमो होता था, उससे पहले कोविड टेस्ट करना पड़ता था, जो अटेंडेंट है उनको भी कोविड टेस्ट करना पड़ता था, तभी जाके हम लोगों को हॉस्पिटल में अलाउ था जाना। अटेंडेंट को बाहर रहना पड़ता था, वो सारा दिन बेटा बाहर रहता था और मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। तो 2 साल हो गए हैं, मैं कैंसर से जीत गई हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, ठीक है आपका परिवार इम्पोर्टेंट है, परिवार भी तो तभी है जब आप ठीक होंगे। तो जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें अपना। अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है आपकी कोई, आप अपनी ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेट करते रहिए महीने में एक बार। अगर आपको कोई भी ब्रेस्ट में अनयूजुअल चीज़ लगती है, कोई गांठ लगती है, कोई स्वेलिंग है, या आपके निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या उसके ब्रेस्ट के साइज़ में कोई चेंज आया है या शेप में, या कोई उस पर दाने बन गए हैं, धब्बे आ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई है, उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर पे जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि मेरा जब तक मैं डॉक्टर पे गई सेकंड स्टेज हो गया था, अगर शायद मैं पहले जाती तो मेरी इतनी लंबी ट्रीटमेंट कीमो और रेडिएशन और सर्जरी ना होती और जो दुख मैंने झेला शायद वो नहीं झेलना पड़ता। पर मैं ये कहूँगी चलो जो हुआ वो तो हो चुका। अब देखो मेरी बिटिया अब CA बन गई है और अपनी प्रैक्टिस कर रही है, बेटा IAS ऑफिसर है और सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है। मैं कहूँगी कि अगर आप घर में जैसे पॉजिटिविटी रही, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, घर में पॉजिटिव माहौल रखा, इवन मेरे फ्रेंड्स ने, मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई, मैं उनसे बात करती थी, घर में खुशनुमा माहौल रहता था, फ्रेंड्स मिलने आते थे। और मेरे को लगता है यही एक चीज़ थी जिसने मेरे को हिम्मत दी कि वो मेरे को ये बताती थी अनीता तू ठीक है, बहुत सुंदर लग रही, देखना पहले से भी सुंदर हो जाएगी। मुझे भी लगने लगा कि हाँ ये बात है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कभी डिप्रेस ना करें। और जो भी मैं आपके TV शो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जो इस बीमारी से अब मतलब लड़ रहे हैं, उन दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारो। क्या बात है, हिम्मत ना हारो। अगर आप दिल में जज्बा रखते हो तो ठीक जरूर होंगे, बस यही सोचो मैं ठीक होंगे और ठीक ही होंगे। अगर आप इस चीज़ से जूझी हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी का कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है, कहीं हम अकेले खड़े नज़र पाते हैं खुद को, आपकी आप बीती जानना चाहते हैं। जब आप उस चीज़ से जूझी, वो जो आपने फेस किया, वो हम चाहते हैं कि आप दुनिया के साथ साझा करें। ऐसा लगा मैं ख़त्म कर दूँ अपनी लाइफ, लेकिन फिर मेरी बेटी, मेरे फ्रेंड्स, फिर मुझे एक बार सपोर्ट रेखा मैम को देखा हॉस्पिटल में, मुझे मिली जहाँ पे वो हंस के बात कर रही थी सबसे, तब मैंने उनको देखा। और हालांकि मेरा तो स्टार्टिंग था बिल्कुल एक छोटा सा लम्स था, मुझे कीमो की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रेडिएशन से काम चल गया, मुझे कोई कुछ कहीं ना मेरे बाल उतरे, ना मेरे में कोई कमी आई, और सिर्फ एक छोटा सा लम्स था, ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेस्ट निकाल दिया, मैं पूरी परिपूर्ण थी। बहुत सालों बाद आज 2013 में 9 साल हो चुके इस बात को। थैंक यू सो मच। मत आने देना आँखों में नमी,
मत आने देना आंखों में नमी, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है कोई कमी, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है कोई कमी। क्या हुआ अगर एक मर्ज ने तुम्हें थोड़ा सा छेड़ा, क्या हुआ अगर एक मर्ज ने तुम्हें थोड़ा सा छेड़ा, तुम उसे छेड़ दो क्योंकि तुम अड़ी हो, जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ी हो, तो फिर कैंसर क्या चीज है। आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों के हौसले को सलाम करते हैं। शायद मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यस आई नो, क्योंकि जो मेरे बाल उतर रहे थे सेकंड कीमो के बाद, तो मेरे हस्बैंड खुद मेरे बाल उतारते थे, मतलब वो बेड पे इस तरीके से बिठाते थे कि तुम आराम से बैठो, आराम से लेटो, मैं तुम्हारे सिर में एक तेल लगाता हूँ, आराम से लेट जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और वो साइड में बैठ के आराम से कॉम करते रहते थे और बालों का इतना ढेर लग जाता था, क्योंकि मैं भी एक सरदारनी हूँ और मेरे बाल भी बहुत लंबे थे, तो उस वजह से वो सारे बाल इकट्ठे कर लेते, खुद रोते थे लेकिन मुझे देखने नहीं देते थे। और उसके बाद कहना, अच्छा मैंने तेल लगा दिया, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर ये चुन्नी इस तरीके से बांध देता हूँ जैसे पगड़ी बंधी है, और तुम आराम से सोओगी, नींद आएगी तुम्हें बहुत अच्छी। मतलब सिर मुझे मेरा ही सिर नहीं देखने देते थे और कहते थे मैं कंघी करूँगा हमेशा, क्या तेल भी लगाना, उसमें पूरी उंगलियों से तेल लगाना हल्का सा गर्म करके और कॉम करके पूरा का पूरा, उन्होंने सिर मतलब सिर्फ झड़ा है तो वही झड़ा है और किसी के आगे नहीं झड़ा, झुका भी है तो उसी के आगे झुका है। क्या बात, क्या बात। जब उतरते हैं, इट इज क्वाइट डीमोरलाइजिंग फॉर अ लेडी हु इज गॉट नाइस लवली हेयर, लाइक दे ऑल आर सेइंग आई हैड नाइस हेयर बट नॉट सच थिक हेयर, बट आई कैन से वन थिंग दैट व्हेन माय हेयर फेल मोर देन मी, माय डॉटर्स वर कंसर्न्ड एंड दे वुड गो एंड गेट ऑल टाइप्स ऑफ हैट्स एंड कैप्स एंड ऑल, मम्मी वेयर दिस, मम्मी वेयर दिस। So I did not want to wear any of those things. I found it very uncomfortable and I said, what I am, you know, people have to accept me that way. Bilkul, main jo hu, jaisi hu, mujhe accept kijiye. So when I used to walk down the mall or somewhere, I would go, people would cross me and then they would look back at me and with pity in their eyes, oh my God, they would wonder because you wear pants and all, they think you're a boy or a girl. So they go and look back, but it did not affect me at all. Yes, the body, you know, after the mastectomy and all, your body is mutilated to some extent. You're not the same beautiful person that you were. But okay, there are so many other things you can do. I take so many pains to get ready nicely now. Earlier, I was not so much bothered. Chalo, tayar hoge, chale gaye. Now, whenever I have to go anywhere, I take pains to get ready. I take pains to look good and to smile. Always have a smile on my face. And I promised myself that you will not stop smiling through the treatment. क्या बात रेखा मैम जी, जो है लोगों की जो धारणा है गलत, उसको मिटाना चाहूंगी। मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रही थी कि बहुत से मिथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उन मिथ्स के साथ हम जीते हैं जीते और हम हकीकत नहीं जानते जानते कि असल में उन मिथ्स के पीछे रियलिटी कुछ और है। हाँ, उसी पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो इससे जुड़े बहुत सारे मिथ हैं और जैसे आपने एक बात बताई, उससे भी मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा तकलीफ देती। आज से 15 साल पहले एक मरीज थी, उसका बच्चा तो था 6-7 साल का था, और जब उसको कैंसर हुआ, उसको हॉजकिन कैंसर था ब्लड का, तो उसके घर वालों ने कहा ये छूत की बीमारी है। तो ये गलत धारणा, ये छूत की बीमारी नहीं है। तो उसके पति ने, ससुराल वालों ने कहा अगर तुम यहाँ रहोगी तो हम सबको हो जाएगा, हमारे बच्चे को हो जाएगा। अरे। और उसको मायके छोड़ दिया जैसे आपने कहा जी, और कहा अगर तुम ठीक हो गई तब हम तुम्हें रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। लेकिन जब वो मायके गई तो वो कहती मैं मौत से उतना नहीं डरती जितना मैं इस बात से परेशान हूँ मैं अपना बच्चा नहीं देख सकती। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख, मौत से भी बड़ा दुख होता है कि वो अपना बच्चा ना देख सके। तो वो अपने घर वालों से छुप के बच्चे के स्कूल चली गई और उसने बताया कि मैं बच्चे की माँ हूँ, तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी बच्चे से मिलने की, और बच्चा भी माँ को मिलकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब बच्चे ने घर जाके अपने पिता को बताया कि मम्मी आई थी, तो उसने फोन करके उसको डांट लगाई कि तुम मेरे बच्चे को बीमार करोगी, कैंसर कर दोगी मेरे बच्चे को, और स्कूल वालों को कहा इसकी माँ को मिलने मत दो, उसको छूत की बीमारी है। और उसके बाद वो लड़की 1.5 साल के बाद उसकी डेथ हुई, और आखिरी मोमेंट पे उसको पता था कि जब दम घुटने लगता है इसका मतलब शायद हमारा आखिरी समय आ गया है। डॉक्टर ने सिम्टम बताए थे कि अगर ऐसा होगा तो सोचो शायद ये एंड है, तो उसको लगा सांस लेना मुश्किल है। तो उसने अपनी माँ से कहा मरने से पहले एक बार मेरा बच्चा दिखा दो। उसके पति को फोन किया, उसका पति अकेला आ गया, बच्चे को नहीं लाया। उसने कहा ये नाटक कर रही है, शायद ये बच्चे को देखने के लिए बहाना बना रही है। और वो लड़की कैसे तड़प के गई होगी दुनिया से, ये हर माँ इमेजिन कर सकती है।
आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि एक महिला जब खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाती है तो उसकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं मन में एक अपूर्णता का भाव होता है कि हम शायद हमारी बॉडी पूरी नहीं है, हम पूर्ण नहीं है। ऐसे में जब वो लोग आपसे डील करते हैं, आप लोग आपको जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको कॉल करती हैं या आपसे संपर्क करती हैं, तो किस तरह की बातें सबसे पहले आपके पास आती हैं? उसके बाद आप तो उन्हें सपोर्ट करती हैं, आप उन्हें पूर्ण बनाती हैं, वो प्रोसेस क्या है वो मैं जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो वो आपसे बातचीत करती हैं, मैं वो बातचीत के अंश जानना चाहती हूँ कि किस तरह की बातें होती हैं वो। मैम, सबसे पहले तो मैंने हज़ारों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ डील किया है और जो एक बात निकल के आई है तो वो यही है कि एक औरत के लिए ब्रेस्ट खोने का गम या दर्द कैंसर से डायग्नोज होने से ज़्यादा होता है। उसे कहीं ना कहीं एक अपूर्णता की फीलिंग आती है, उसको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मैं अब ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे बड़ा टैबू तो यही होता है कि सोसाइटी में कैसे देखेंगे, मतलब एक अपूर्ण नारी को कोई भी देखना शायद पसंद नहीं करता और वो मुझे कांटेक्ट भी इसीलिए करते हैं, शायद वो कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बहुत लेडीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि सर्जरी को, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इस तरीके का ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट कहते हैं वो मिलता है, हम उसे पहन के घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। कई लेडीज ऐसी मिली जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी इसलिए कि किसके हम इस अपूर्ण शरीर के साथ बाहर कैसे जाएं। तो उन लेडीज के लिए मैंने ईजाद किया ये लो कॉस्ट फैब्रिक बेस्ड प्रोस्थेसिस जो है, और हम अंडर प्रिविलेज जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं महिलाएं जिनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ है उनको हम फ्री में देते हैं। और उसके बाद हम उनसे 6 महीने बाद एक फीडबैक कॉल भी लेते हैं कि आप पहन रहे हैं अब आपको कैसा महसूस हुआ है, और उसमें सबका यही आता है निकल के कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। कईयों ने अपनी जॉब रिज्यूम कर ली, वापस सोसाइटी में मूव करना शुरू करा। तो ये ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस जो है वो विमेन के लिए एक लगता है कि कॉस्मेटिक नीड है, सिर्फ खाली उसको बाहर से पूरा करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक मेडिकल नीड भी है। मतलब मेडिकल नीड, जैसे हमारी बॉडी में वेट दोनों तरफ भगवान ने बराबर दिया है, अगर जितना वेट राइट साइड है उतना लेफ्ट साइड है। जब कैंसर की वजह से एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है एक लेडी की, तो उसकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, एक तरफ वेट ज़्यादा है एक तरफ वेट कम है। उससे क्या होता है कि उसके कंधे में दर्द रहेगा पहले, फिर उसकी कमर में दर्द रहेगा, और बहुत साल तक अगर वो कुछ नहीं पहन रही है तो उससे उसका स्पाइन भी टेढ़ा होने लग जाता है, जो कि ये अवेयरनेस ही नहीं है पेशेंट्स के अंदर कि ये जो दर्द है हमारा ये इस वजह से कि हम किसी तरीके का प्रोस्थेसिस नहीं पहन रहे हैं, हम अपनी बॉडी का वेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर्स का बहुत योगदान है, जो कि बताते हैं उन्हें, हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाते हैं, वो काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को, वो बताते हैं कि ये जो है आपके लिए प्रोस्थेसिस ये सिर्फ खाली आपको बाहर से नहीं पूर्ण करेगा, आपकी बॉडी के वेट को भी बैलेंस करेगा। तो मैम क्या ये 24 आवर्स कैरी करने की चीज़ है? मैम 24 आवर्स नहीं, जब तक आप सो रहे हैं तब तक ना पहनें, लेकिन जब तक आप जाग रहे हैं, जब तक आप चल फिर, तब तक ये पहनना बहुत ज़रूरी है, इवन इन द लेटर स्टेज। कई महिलाएं हमें ऐसे मिलती हैं जो 70+ होती हैं, कहती हैं बेटा अब क्या जरूरत है हमें, कोई बात नहीं, अब तो जैसे हैं वैसे ही वो, तो हमें उन्हें काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं माता जी ये सिर्फ आपको इसलिए नहीं है कि आपको बाहर से कंप्लीट करेगा, ये आपको मेडिकली पहनना जरूरी है, आपकी कमर में कंधे में दर्द रहने लग जाएगा, आपको लगेगा कि एज की वजह से रह रहा है, जबकि उसका कारण ये होगा कि आप किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल ब्रेस्ट कहें या ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस कहें वो आप नहीं पहन रहे हैं। तो ये इसका एक मेडिकल कारण है जो जिसके बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसको इसीलिए लेती हैं हमसे कि वो अपने आप को बाहर से पूर्ण महसूस कर सके, सोसाइटी में वापस जा सके, अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सके जी। तो ये एक अवेयरनेस का वो है कि ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक इलाज का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल।
इलाज के हिस्से की हमने बात की, आप बीती की हमने बात की, हमने बात की कि जब इलाज हमारा पूरा हो जाता है, हम कीमो के प्रोसेस से निकल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो कहीं ना कहीं रह गई। जब हम बीमारी से ग्रसित होते हैं उसके बाद जो इनिशियल फर्स्ट एड जिसे हम कहेंगे, जहाँ से हमारा जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है, मैम वो कहाँ से होता है? देखिए, बीमारी ठीक होने के बाद आदमी बुरी तरह से टूट जाता है। देखने में तो बाहर से वो भला चंगा लगता है, आपको देखने में वो नहीं लगेगा कहीं से भी अपूर्ण है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें टूटी होती हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। दिन में कई कई बार उसको डिप्रेशन के अपने ही आप में फिट्स आते हैं, कई कई बार उसे पूरी हिम्मत से अपने आप को खड़े करना पड़ता है, रेकरेंस का डर लगता है, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी का डर लगता है। समाज में देखिए, समाज की जहाँ तक मैं बात करूँ, जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार उनके लिए रिश्ते लेके आने शुरू हो गए थे। अरे तू फिक्र मत कर, इसकी कोई बात नहीं, तेरी तो दोबारा शादी करा देंगे, तू चिंता मत कर। तो समाज की जहाँ तक हम बात करें, हम हर वक्त महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, अगर हम सब महिलाएं महिलाओं के साथ खड़ी रहें तो 50% आबादी हमारे साथ है। अगर हम कोई एक पेड़ को भी गाली देता है तो वो भी रोज़ रोज़ गाली सुनकर सुनने में आता है, मुरझा जाता है। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो पीठ कर लो, आप बोलो लाइन तो मेरे पीछे से शुरू होगी, मैं वो गाली ले ही नहीं रही। अगर हम उस अब्यूज को ले ही नहीं रहे तो आपको वो अब्यूज मिलेगा भी नहीं जी। अगर धाज भी एक डूबता है तो सबको सबसे पहले छोड़कर भागने वाले चूहे होते हैं। ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो आपको एक छोटे से कैंसर शब्द से छोड़ दे। जिंदगी में बहुत सारे कैंसर जो कहने को कैंसर नहीं होते आते हैं, जिंदगी के इस दौड़ में जिंदगी में बहुत बहुत चुनौतियाँ आती हैं, और अगर कोई रिश्ता में इतनी भी आत्मविश्वास नहीं है, इतना भी प्यार नहीं है कि वो आपके साथ उस समय पे खड़ा रहे, तो उस रिश्ते को आपके साथ रहने का हक है या नहीं, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि शरीर में अगर कैंसर हो तो शायद उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर रिश्तों में कैंसर आ जाए तो उसे छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि उसका इलाज कभी नहीं हो पाएगा। रेखा मैम, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, स्टिग्मा की हमने बात की, कि बहुत सारे मिथ हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं अर्ली ट्रीटमेंट, कहाँ पर हमें सचेत हो जाना चाहिए, वो हमारे जो इनिशियल स्टेप्स हैं जो ज़रूर ध्यान देने योग्य हैं, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो पहले इसको रोकना चाहिए जी। तो पहले जो रिस्क फैक्टर हैं कि कैंसर होता क्यों है, कारण तो किसी को नहीं पता, जो ऑब्जर्वेशन है उससे डॉक्टर्स ये कहते हैं, जैसे कहा कि ब्रेस्ट फीड नहीं करते, या महावारी देर से आती है, मतलब टाइम से पहले आ जाती है, आजकल 10-10 साल में बच्चों को महावारी आ रही है जबकि असली उम्र 13 साल है, पर ये चीज़ें, और या देर से बंद होती है 55 साल के बाद, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। पर जो हमारे हाथ में है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हम अच्छा खाएं, जैसे पौष्टिक आहार, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है पौष्टिक आहार क्या होता है, हमारी आदतें, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, और डिसिप्लिन लाइफ में होना, एक्सरसाइज करना, बहुत मोटापा भी कैंसर करता है, मोटापे से 6 तरह के कैंसर होते हैं जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर भी एक है, देर से शादी करना, बच्चा ना होना, तो इससे भी उसके चांसेस हो जाते हैं, वातावरण गंदगी होना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इन सब चीज़ों से भी, तंबाकू भी बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे कैंसर का, उसमें से सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर भी एक है, और आदमियों में तो ज़्यादा कैंसर होते ही तंबाकू की या शराब की वजह से हैं। तो अपना लाइफस्टाइल अगर अच्छा कर लें तो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। दूसरा है हमारा वातावरण, और वातावरण भी आपको 3 तरह का मिलता है। एक तो आपको पता है कि जल शुद्ध होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए, ज़मीन शुद्ध, सफाई। नंबर 2 वातावरण है हमारे घर का, क्या हमारे घर में हमेशा चिकचिक रहती है, जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ का माहौल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये जो माहौल हमारे चारों तरफ अच्छा है या बुरा है उसका भी कैंसर से ताल्लुक है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पे थोड़ा अगर बीमार होते हैं तो बड़ी बीमारियां आके हमको घेर लेती हैं, और अभी साइंस ने भी प्रूव किया है कि मानसिक टेंशन जो है उससे हमारी इम्यूनिटी, हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है। और तीसरा एनवायरनमेंट है हमारे दिमाग के अंदर, हर समय हमें लगता है वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, इसने मुझे ये क्यों कहा, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरी कोई परवाह नहीं करता, ये जो एक नेगेटिव थॉट है, अपने आप को लो एस्टीम करना या अपने आप को बहुत हाई एस्टीम करना, दोनों एक्सट्रीम गलत है। ना हम दुनिया से बहुत बड़े हैं, ना दुनिया हमसे बहुत छोटी है। टू गो टू द ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट विल टेल यू वेदर यू हैव टू गो टू द ऑन्को सर्जन और यू हैव टू गो टू एनी अदर ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, and things are very different now. It's very, it's I would say sometimes it's very easy also
टू रीच देम नाउ। बहरहाल हम कहते हैं कि हर चीज़ दोबारा मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जिए जिंदा दिली के साथ। तो जाने से पहले हमारे जितने भी मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा संदेश इस ज़िंदगी के नाम दें कि ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप क्या कहना चाहेंगी रेखा मैम? हर बीमारी को पहली स्टेज पे पकड़ ले, हर बीमारी का इलाज होता है, और कैंसर को और बीमारी की तरह ही समझो, और अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ आती है खुशी से मुकाबला करो। आपका क्या संदेश है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को आप कैसे देखती हैं? कि मैं तो भूल ही गई हूँ मुझे कैंसर हुआ है। Also, when I was in the hospital, I was admitted there, chemo वगैरह होती थी। मैं तो बस जब थोड़ी chemo ख़त्म हुई, I used to go and sit with the other patients, खासतौर पर छोटे बच्चों के पास बैठती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, इतने छोटे छोटे बच्चे, ट्यूब्स लगी हुई सब। So I used to, you know, try and help them, talk to them, tell them stories and all. I've always been more bothered about others than my own self. मैं अपने आप को सर्विस बिफोर सेल्फ रखती हूँ ऑलवेज, नॉट दैट आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई हैव बीन लाइक दैट राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन लाइक दैट। मैम, हज़ारों दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी को लेकर आपका क्या नज़रिया, एक मैसेज उनके नाम। ज़िंदगी को लेके मेरा नज़रिया यही है जो हमारी एनजीओ का मोटिव भी है, लिव लाइफ एंड विन ओवर कैंसर। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हम कैंसर से लड़ रहे हैं, हम हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं एक नज़रिया ये भी है कि अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा किसी दूसरे की प्रॉब्लम सुनो और उसकी प्रॉब्लम को बड़ी समझो, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका आपको अपने आप मिल जाएगा। तो जैसे आपने कहा था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम इतना कम है, वही आपको ताकत देता है आपकी अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। जी मैम, ज़िंदगी और मौत ये तो हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मरने से पहले नहीं मरना चाहिए। मौत तो जब आनी है, ऊपर वाले ने जब देनी है आ ही जानी है, लेकिन जब तक जिंदा हो जिंदा दिली से जियो, तंदुरुस्ती से जियो, खुशी से जियो, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि क्वान्टिटी ऑफ लाइफ पे। और जितने लोगों की आप मदद कर सको, इंस्पिरेशन बन सको जितनों के लिए, वही आपकी ज़िंदगी है। और उसी के लिए शायद भगवान ने कुछ लोगों को चुना होता है, जिसमें से शायद कैंसर ने मुझे चुना है। क्या बात है जी मैम। सतिंदर मैम, आप क्या कहना चाहेंगी ज़िंदगी को लेकर, आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कहती हूँ कि ये वर्ड बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, और हमारी लाइफ भी सो ब्यूटीफुल। तो अपने हौसलों को उड़ान दीजिए और खुल जाइए खुले परिंदे की तरह, खुले पंख उड़ा के अपना आसमां। तो अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, खुद को एक नई पहचान दीजिए, और होकर मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से खिलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ते रहिए, मगर बढ़ते रहिए। मर्ज कोई भी आए, लगातार लड़ते रहिए, लगातार लड़ते रहिए। इसी बात के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसा संदेश दिया कि हम सब अब ये समझने लगे हैं कि ज़िंदगी सच में खूबसूरत है, और इस खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीने के लिए, काटने के लिए नहीं जीने के लिए हम लड़ जाएंगे, मर्ज चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शब्दों में क्या बयां करूं, किस मुश्किल मोड़ पर खड़ी हूं, यूं समझ लीजिए ज़िंदगी की सबसे मुश्किल दहलीज पर खड़ी हूं। जी हां, जूझ रही हूं कैंसर से, लेकिन इस बात पर अड़ी हूं कि ज़िंदगी के साथ लड़ जाऊंगी, लेकिन ज़िंदगी जीऊंगी ज़रूर, क्योंकि डर के आगे जीत है और मुझे ज़िंदगी से प्रीत है। के साथ, इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ू, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली।